आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आसान मगर इम्पोर्टेंट है, दैट इज जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन, इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने जो उनके लॉज अभी तक पढ़े हैं उनको हमने बेसिकली इकट्ठा करके एक जनरल जो उनकी है गैस के लिए इक्वेशन बना लेनी है। इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे अब तक जो हमने पैरामीटर्स पढ़े हैं दैट इज प्रेशर पी, अभी तक जितने भी पैरामीटर्स हम पढ़ के आए हैं, टेम्परेचर टी, वॉल्यूम वी एंड नंबर ऑफ मोल्स एन, स्मॉल एन। इन सारे पैरामीटर्स को हमने अभी तक जो है डिफरेंट गैस लॉज में स्टडी किया। अब हम बेसिकली इनको मतलब उनकी इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ अगर आपको याद हो वो क्या था, वो कहता था जी वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/p के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के। इस केस में हमने कांस्टेंट क्या क्या रखा हुआ था, टेम्परेचर कांस्टेंट था और नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल जो है मतलब सेम क्वांटिटी के लिए वर कांस्टेंट, ये आपके पास था बॉयल्स लॉ। फिर हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता था कि जो आपका वी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जब क्या क्या कांस्टेंट हो, प्रेशर और एन जो होते हैं वो कांस्टेंट हो सेम क्वांटिटी के लिए और सेम प्रेशर के लिए, वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। फिर आ गया आखिरी एवोगैड्रोज लॉ। ये बेसिकली डिटेल में तो अभी हमने पढ़ना है लेकिन इसकी लॉजिक सिंपल सी है कि जितना किसी का नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उतना उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस प्रोवाइडेड के टेम्परेचर और प्रेशर क्या हों, कांस्टेंट। ये तो तीन लॉज जो से थे, इसको दोबारा देख लें। बॉयल्स लॉ कहता था कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे किसी भी गैस के। चार्ल्स लॉ कहता था वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हों। और एवोगैड्रोज लॉ तो सिंपल है कि जितने ज़्यादा मोल्स उतना ज़्यादा वॉल्यूम, सिंपल की बात है। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्रोवाइडेड क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या हों, कॉन्स्टेंट हों। अब अगर इन सारी इक्वेशंस को मैं इकट्ठा कर दूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी 1/p। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर पी, अब हमें पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम इक्वालिटी में लेके आते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इस केस में ये कांस्टेंट है आर एन टी ओवर पी। आर इज जनरल जनरल गैस इक्वेशन जो बना रहे हैं तो ये जनरल गैस कांस्टेंट है, आर इज जनरल गैस कांस्टेंट। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये हो जाती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये जो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। जब भी आप गैस को स्टडी करेंगे ये अपनी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं पे पा ही लेगी। जनरल गैस कांस्टेंट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वन ऑफ द बेसिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस इक्वेशंस जो कि आपकी केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और आगे चल के आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये चीज़ ज़रूर इस्तेमाल होगी। ये जो है हम शुरू में ही हमने बात की थी कि ये आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी। ये इक्वेशन क्या क्या रही है कि प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो बराबर है उनके नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि एक आइडियल गैस की अगर मेरे पास क्वांटिटी हो तो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम
इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये थी जी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब इसी इक्वेशन को आप जो है तीनों अपने वापस लॉज की तरफ भी आ सकते हैं इस इक्वेशन से। फॉर एग्जांपल देखें जी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, अगर मैं टी को कर दूं कांस्टेंट तो ये सारी की एन आर भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, अगर मैं टी और एन को कांस्टेंट कर दूं तो पी वी बिकम इक्वल टू के। तो यहाँ से ये कौन सा लॉ बन गया, बॉयल लॉ। सिमिलरली वी इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो अगर मैं v ओवर t इज इक्वल टू एन आर ओवर p, इसको मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है। अब p अगर मैं कर दूं कांस्टेंट तो ये सारी चीज n तो कांस्टेंट है ना किसी एक गैस के एक मोल के लिए, तो ये सारी चीज हो जाएगी कांस्टेंट। और v ओवर t इज इक्वल टू जब कांस्टेंट होता है k के बराबर, तो ये कौन सा लॉ होता है, दिस इज इक्वल टू चार्ल्स लॉ। सिमिलरली पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो अगर मैं इसको वी इज इक्वल टू एन आर टी ओवर टी, तो अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट कर दूँ तो ये पूरी वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी, तो वी इज इक्वल टू के एन, तो ये क्या बन जाएगा, एवोगैड्रोज लॉ, कि किसी भी वो गैस का वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब आप इसको उसी टर्म में जम से लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और नई नया एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे जो आगे चल के बहुत ज़्यादा हमारा इस्तेमाल होना है इक्वेशन वगैरह में। फॉर वन मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस का अगर मैं एक मोल ले लूं n इज इक्वल टू वन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जब n वन हो जाएगा तो ये हो जाएगी पी वी इज इक्वल टू आर टी। दिस पी वी इज इक्वल टू आर टी को मैं पी वी ओवर टी इज इक्वल टू आर, अब आर इज कॉन्स्टेंट ना, अभी हमने बात की कि जनरल गैस कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन निकाल ये मतलब बात डिराइव करते हैं कि किसी भी चीज़ का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है उसके प्रेशर वॉल्यूम के मल्टीप्लाई करके टेम्परेचर के साथ उसकी रेशियो लें तो कांस्टेंट आती है। जैसे हमने बाकी में किया था पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू, दिस इज इक्वल टू आर या कांस्टेंट। अब ये जो इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल होती है, क्योंकि अब समटाइम्स क्या होता है कि प्रेशर भी दिया होता है, वॉल्यूम भी दिया होता है, टेम्परेचर भी दिया होता है, कोई एक चीज़ कांस्टेंट हो तो हम बाकी दो में बॉयल्स लॉ या ये कांस्टेंट हो तो इन दो में चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं। लेकिन जब हमें तीनों की वैल्यू गिवन हो तो फिर ना बॉयल्स लॉ लगता है ना चार्ल्स लॉ लगता है, तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती, तो फिर हम जनरल गैस कॉन्स्टेंट का सहारा लेते हैं, इस इक्वेशन का सहारा लेते हैं और इस इक्वेशन की मदद से अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन जो है हमारी आगे चल के एग्जांपल में इस्तेमाल भी होगी। अब हम पहले एक एग्जांपल को स्टडी कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर थ्री आपकी बुक की। एग्जांपल नंबर थ्री के अंदर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस, एक गैस की नाइट्रोजन एन टू गैस है। मैं इसका यहाँ पे पहले डाटा सारा उतार दूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। इज एनक्लोज इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है जी 380 सेंटीमीटर क्यूब एट 120 डिग्री सी, 120 डिग्री सी, इसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया तो ये बन गया 393 केल्विन। एंड प्रेशर ऑफ, प्रेशर भी उसने दे दिया है 101325 न्यूटन मीटर
स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया जी प्रेशर। ये सारी थी इनिशियल कंडीशन 1 1 एंड 1। फिर वो कह रहा है जी कि द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अ 10 डेसीमीटर फ्लास्क। अब नया जो वॉल्यूम आ गया वी टू वो कितना है 10 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब है, तो हम इसको भी डेसीमीटर क्यूब में ले आएंगे, विच इज बिकम्स इक्वल टू 0.38 डेसीमीटर क्यूब 2000 से जब हम डिवाइड करें, क्योंकि यूनिट्स हमारे दोनों साइड पे सेम होने चाहिए। आगे कहता है जी ट्रांसफर टू अ 10 डेसीमीटर फ्लास्क, ठीक है वॉल्यूम हमने लिख दिया, एंड कूल्ड टू टेम्परेचर उसने बता दिया कितने डिग्री सी पे, 27 डिग्री सी पे। इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा केल्विन में तो ये हो जाएगा 27 प्लस 273 बिकम्स इक्वल टू 300 केल्विन। कह रहे जी कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर आपने फाइंड करना है पी टू। तो ये तीन चीज़ें आपके पास गिवन हैं, ये दो साइड की गिवन है। आप सिंपल अपनी जनरल गैस इक्वेशन लगाएंगे, पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू। हमें चाहिए क्या, पी टू चाहिए, तो पी टू को मैं एक तरफ पे रहने दूंगा और सारी चीज़ें उठा के उधर, पी वन वी वन ओवर टी वन मल्टीप्लाई बाय टी टू डिवाइडेड बाय वी। ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, यहाँ से आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा किसका, पी टू का, जिसकी वैल्यू आपने बेसिकली निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने जो जनरल इक्वेशन थी, जनरल गैस इक्वेशन, उसकी फॉर्म को हमने यूज़ किया अपनी कैलकुलेशन के लिए। ये तो थी एग्जाम्पल। अब हम वापस आते हैं अपने आर की तरफ, जो कि क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके यूनिट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं आर होता क्या। जनरल गैस इक्वेशन इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से अगर मैं आर को सेपरेट करूँ तो ये हो जाता है पी वी ओवर एन टी। ये मेरे पास आ गया आर का फार्मूला। अब हम प्रेशर के कितने सारे यूनिट्स पढ़ के आए हुए हैं, एटीएम, टॉर, पास्कल, इसी तरह हमने टेम्परेचर के यूनिट्स भी पढ़े हुए हैं, डिग्री सी, केल्विन एक्सेट्रा। सिमिलरली हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, मीटर क्यूब में भी हो सकता है, इस तरह डिफरेंट यूनिट्स में। अब जब डिफरेंट यूनिट्स की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो आर की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती रहेगी। तो हमने अपने यूनिट्स को देखते हुए आर की वैल्यू अपने फार्मूलाज में और अपनी इक्वेशन में और अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करनी है, ठीक है। ये तो हो गया जनरल बात। अब हम इसके कुछ यूनिट जो होते हैं, कुछ वैल्यूज जो होती हैं आर की, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। अब यहाँ पे अगर हम प्रेशर ले लें एटीएम के अंदर, वॉल्यूम ले लें डेसीमीटर क्यूब के अंदर, एन तो मोल होता है, मोल ही रहेगा, और टी जो है ये हमारा हो जाए केल्विन के अंदर, तो हम जब इसके अंदर पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 एटीएम। अब 1 मोल एट 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी का क्या मतलब है, 273.15। ये बेसिकली क्या है, ये एसटीपी हम ले रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आपको पहला चैप्टर याद हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाज 0 डिग्री सी एंड 1 एटीएम। अब क्योंकि गैस है और हम पढ़ के आए हैं पहले चैप्टर में कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो किसी भी गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हम कितना पुट करेंगे, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इस सब को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी दैट इज 0.0821, और उसके यूनिट क्या होंगे, डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब इससे हमें पता क्या लग रहा है,
बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है इससे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ क्या रही है, वो क्या है वो हम देख लेते हैं। वो ये कहते हैं जी कि फिजिकल मीनिंग जो है इसके वो ये है कि अगर एक मोल ऑफ आइडियल गैस हो हमारे पास एट दिस टेम्परेचर, एक मोल और इस टेम्परेचर के ऊपर हो और उसका टेम्परेचर अगर एक केल्विन हम इंक्रीज करें तो उसके अंदर जो एनर्जी का इंक्रीज आएगा वो होगा 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम। ये जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये जो यूनिट है ये बेसिकली एनर्जी का यूनिट है और ये हमें ये बता रहा है कि अगर एक केल्विन का मैं चेंज लाऊं टेम्परेचर में एक मोल ऑफ गैस के अंदर तो जो एनर्जी वो गैस हासिल करेगी वो कितनी होगी 0.0821 होगी उसकी डेसीमीटर क्यूब इंटू 80। तो ये हमारे पास एक आर की वैल्यू आ गई, आर इज इक्वल टू 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब हमें पता है कि जो एक एटीएम है वो बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के। अब एटीएम की जगह अगर मैं 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी पुट कर दूं 1.0821 डेसीमीटर क्यूब, एटीएम की जगह 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी उसी तरह पर केल्विन और पर मोल, तो मेरे पास यूनिट्स क्या हो जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 62.4 डेसीमीटर क्यूब। अब प्रेशर की जगह उसका यूनिट क्या आ गया, मिलीमीटर मर्करी पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे मेरे पास आर की एक और वैल्यू आ गई कि अगर प्रेशर के यूनिट्स मेरे पास मिलीमीटर मर्करी में हों या टॉर में, ये दोनों सेम होते हैं ये भी हम पढ़ के आएंगे, तो हम इसकी वैल्यू ये यूज करें। ठीक हो गया, हमें पता है कि एक टॉर एक मिलीमीटर मर्करी के बराबर होता है तो टॉर के केस में भी आर की वैल्यू यही आएगी 62.4 डेसीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। अब रही बात डेसीमीटर क्यूब की, तो एक डेसीमीटर क्यूब जो होता है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, उसके अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होते हैं वो होते हैं। तो अब अगर मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में ले आऊं तो 1 डेसीमीटर क्यूब की जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा आर का 62400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। तो इस तरीके से हमारे पास आर की कई सारी वैल्यूज आ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर यूनिट्स। ठीक है, जैसे जैसे यूनिट्स चेंज होंगे आपके आर की वैल्यू भी जो है वो चेंज होती जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपनी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल SI यूनिट्स की तरफ, और उन यूनिट्स के अंदर हम अपनी आर की SI यूनिट्स के अंदर हम अपने आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। SI यूनिट के अंदर प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, टेम्परेचर होता है केल्विन के अंदर, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब के अंदर। तो अब हम ये वाली वैल्यूज जो होती हैं वो पुट करेंगे। एन जो है हमारे पास वो तो 1 मोल है, ठीक, प्रेशर हमारे पास बेसिकली 1 एटीएम है और हम पढ़ के आए हैं कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर केल्विन में जो है 0 डिग्री की वो होता है जी 273.15 केल्विन, और वॉल्यूम वॉल्यूम था 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये जब कन्वर्ट होगा मीटर क्यूब के अंदर तो इसको 1000 से हम
डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.022414 m³। अब ये वैल्यू हम आर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, विच इज पी वी ओवर एम टी। टी कितना है हमारे पास, 101325 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.022414 इंटू सॉरी मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय एन इज 1 मोल और टी इज 273.15 केल्विन। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा ये मीटर क्यूब जो है, ये जो -2 है ये इससे कैंसल आउट होके न्यूटन मीटर बच जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। अब जो न्यूटन मीटर होता है वो हमें पता है कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जाउल, एनर्जी का यूनिट कहाँ से आया, वर्क इज इक्वल टू एफ डी होता है, एफ इज न्यूटन और डी इज मीटर और वर्क का यूनिट जाउल बनता है, ये सारी फिजिक्स की बात है। तो न्यूटन मीटर जो जाउल बन गया इसको हम लिख देते हैं 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल। ये हमारे पास आर की नए यूनिट के अंदर वैल्यू आ गई। अब समटाइम्स क्या होता है, आपको एक और कन्वर्जन पता होनी चाहिए, जाउल टू कैलोरी, ये एल का मतलब होता है क्या, कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल। तो ये अब हमने जाउल में जाना है तो आर जाउल को बेसिकली कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कैलोरी के अंदर, ऐसे ही है। तो जाउल इज इक्वल टू कैलोरी ओवर 4.18, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 8.3143 डिवाइडेड बाय 4.18। अब इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये आपके पास यूनिट आ गया नया आर का कैलोरी के। तो ये आपके पास कुछ यूनिट हैं आर के, हमने भी स्टडी किए आर के। अब मैं सारे जो हैं डिफरेंट यूनिट्स के साथ वो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। सबसे पहला जो हमने निकाला दैट इज 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम डॉट पर केल्विन पर मोल। फिर हमने आर का यूनिट निकाला 62.4 डेसीमीटर क्यूब इंटू मिलीमीटर मर्करी पर केल्विन पर मोल। फिर हमने सेम यूनिट देखे के मिलीमीटर मर्करी को हमने टॉर से डिनोट कर दिया। फिर हमने देखा कि डेसीमीटर क्यूब को अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये यूनिट आते हैं। फिर हमने सारे यूनिट को छोड़ा एक तरफ और हमने ऐसे यूनिट्स के अंदर आर की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल। और जब हमने इसको कैलोरी में कन्वर्ट किया तो ये हो गई 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो ये सारी की सारी आर की वैल्यूज हैं जो कि डिपेंड करेंगी डिपेंड ऑन आवर यूनिट सिस्टम कि हम कौन सा यूनिट ले रहे हैं, जिन यूनिट में हम प्रेशर एटीएम सारी चीज़ें ले रहे होंगे उस यूनिट वाला हम आर अपनी कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो था आर और उसके डिफरेंट यूनिट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी कैलकुलेशन में इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट टाइम हम डेंसिटी निकालेंगे आइडियल गैस के और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे।
आज जो चीजें हमने पढ़ी जनरल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ से हमने एक इक्वेशन पढ़ी पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू, इससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल स्टडी की। फिर हमने आर की वैल्यूज निकाली पी वी ओवर एन टी से और डिफरेंट यूनिट ऑफ आर हमने जो है इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी की है। नेक्स्ट टाइम हम डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस और उससे रिलेटेड उसकी एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर है।